amazed how Facebook recommends. पेमेंट करने के बाद अपना डेबिट एसएमएस चेक करो और अगर बिना आपकी नमस्कार प्यारे साथियों, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर पंचोली सर की क्लास में मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सभी का स्वागत है। और ये कौन है? अस्थाना जी मीना, दिव्या जी, मनीषा जी, जयपाल साहब एंड खान साहब, क्रिकेट गुरु जी, जीतू एंड विपिन जी, किरण जी, फौजदार साहब एंड वागड़ कल्चर एंड विराट सैनी, जय पीर बाबा, रूपल, किरण, ऑल ऑफ थैंक्स, नरेश जी बिश्नोई, संजू, आज़ाद परिंदा, वेलकम एवरीबडी। होपफुली आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा, जानकारी होगी कि हम लगातार आपके साथ में इसी समय 1:15 पर रूबरू होते हैं। आज हमारी क्लास का 8वां सेशन है और इस सेशन के अंदर हम मेवाड़ के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो सेशन होगा वह स्पेशल हल्दीघाटी युद्ध होगा और इसके अंदर हम बहुत कुछ आपसे जानकारी साझा करेंगे। ये पिक्चर मेरी ही है, नाम गोविंद मालविया है। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं। चलिए आज के सेशन, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले सेशन के अंदर, पिछली क्लास के अंदर मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह जी की बात की थी। महाराणा प्रताप जिनका समय है 1540 से 1597 के बीच में, शासनकाल है 1572 से 1597 के बीच में। साथियों, इस दौरान हमने लास्ट सेशन के अंदर यह देखा था कि महाराणा प्रताप सिंह जी महाराणा प्रताप सिंह जी जिन परिस्थितियों में मेवाड़ के महाराणा बने थे वो परिस्थितियां काफी विपरीत थी। चित्तौड़ पर 25 फरवरी 1568 को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप सिंह जी की माता श्री जीवत कंवर जयवंताबाई सा, जिसे जिन्हें राजस्थान की जीजाबाई, जिजोबाई या आऊ साहेब भी कहते हैं, उन आऊ साहेब को, जिजोबाई को या फिर जीवंत कंवर को जो है ये बात बहुत चुभती थी, क्योंकि बाकी राजपूत जो है वह मेवाड़ को और सिसोदियाओं को इस बात से चढ़ाते थे कि मेवाड़ एक ऐसी विधवा समान हो चुका है जिसका सुहाग चित्तौड़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने छीन लिया है। और यही बात प्रातस्मरणीय, प्रातवंदनीय महाराणा प्रताप सिंह जी को बहुत चुभती थी। और इसी खातिर जब उनका राजतिलक हुआ और राजतिलक समारोह में उन्होंने मेवाड़ की मिट्टी अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं एकलिंगनाथ का दीवान प्रताप सिंह आज ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मुगलों के हाथों से संपूर्ण मेवाड़ को मुक्त नहीं करवा लेता तब तक थाली में भोजन नहीं करूंगा, रेशमी बिछौनों पर नहीं सोऊंगा। इस शपथ को पूरा करने के दरमियान मैंने आपको साथ ही साथ ये बताया भी था कि महाराणा प्रताप सिंह जी को मनाने के लिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 4 दूत भेजे थे, जलाल खान कोरची, भगवान दास, सॉरी जलाल खां कोरची, उसके बाद में मानसिंह कछवाहा, उसके बाद में भगवान दास एंड राजा टोडरमल। उसमें से सबसे पहले जो दूत आए थे जिनका नाम था जलाल खान, ये जलाल खान कोरची सितंबर 1572 को मेवाड़ में आए थे। संभवतः ये प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में शरीक हुए थे। उसके बाद में नेक्स्ट दूत भेजा गया था मानसिंह कछवाहा को, और ये मानसिंह कछवाहा जो है वह आमेर के कुंवर साहब है। इनको 1573 मई जून के आसपास ये मेवाड़ में आए थे। और उसके बाद
उनके पिता भगवान दास जी आए थे, भगवान दास कछवाहा, जो आए थे सितंबर 1573 में। एंड उसके बाद में राजा टोडरमल, जो कि 1573 करीब नवंबर में आए थे और जनवरी में यहां पर यहां से गए। न्यू ईयर भी यही सेलिब्रेट किया था मेवाड़ में। ठीक है, जलाल खां कोरची जब मेवाड़ आए थे साथियों, तब जलाल खां कोरची के सामने जब मेवाड़ियों ने सौगंध ली और उग्र स्वभाव में उन्होंने सौगंध ली, तब जलाल खां कोरची समझ चुके थे कि महाराणा प्रताप जो है वह मानने को तैयार नहीं है। महाराणा प्रताप मानने को तैयार नहीं है, इसलिए नेक्स्ट दूत भेजा गया था मानसिंह कछवाहा को। और मानसिंह कछवाहा के बारे में जो मुलाकात हुई वह नैनसिरी ख्यात में लिखी हुई है कि उदय सागर की पाल के पास में एक महल बनवाया गया था और उसी महल के अंदर जो है मानसिंह कछवाहा का स्वागत हुआ था। और मेवाड़ी सरदारों के बीच में और मानसिंह कछवाहा मुगल दूत के बीच में जो है काफी गहरी गहमा गहमी काफी तकरार हुई थी और इस तकरार के दौरान ये मुलाकात के नाम पर मुक्कालात होते होते बची थी। न तो मेवाड़ी सरदारों को राणा प्रताप ने अलाउ कर रखा था और न मानसिंह कछवाहा को अकबर ने अलाउ कर रखा था कि वह युद्ध करे, नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गहमा गहमी तो वहां पे भी शुरू हो जाती। इतना घोर अपमान हुआ मानसिंह कछवाहा का वहां मेवाड़ में। हालांकि इसकी शुरुआत मानसिंह की ओर से की गई थी, मानसिंह ने मेवाड़ी सरदारों से बात न करके उनका अपमान किया और मेवाड़ियों ने तो फिर कसर ही नहीं छोड़ी। स्पेशली ये तनातनी जो है वह मानसिंह कछवाहा और झाला मानसिंह के बीच में हुई थी। क्या कहा था मानसिंह कछवाहा को झाला मानसिंह ने, अपने फूफा अकबर को साथ लाना मत भूलना। और थाली और वो बर्तन है मानसिंह कछवाहा ने के जिन्होंने हाथ लगाए थे वो सारे नदी में फेंकवा दिए। उन्होंने गंगा जल छिड़का और साथ साथ में ऐसे अपशब्द भी कहे, कहते हैं कि तीर और चाकू भालों के घाव जो हैं वह भर जाते हैं इंसान के, लेकिन शब्दों के घाव भरना बहुत मुश्किल है। और इसी का परिणाम है हल्दी घाटी। यहां से मानसिंह कछवाहा जब फतेहपुर सीकरी पहुंचे, तो फतेहपुर सीकरी जब पहुंचे थे मानसिंह कछवाहा, तो वहां पर जलालुद्दीन अकबर उन्हें अपना फर्जंद कहते थे, अपना बेटा मानते थे। शायद इसी जोश में, इसी ईगो में मानसिंह कछवाहा सीधा फतेहपुर सीकरी में प्रवेश कर गए, दीवाने खास में, जलालुद्दीन अकबर के महल में, दीवाने खास जहां उनके खास मंत्री बैठते हैं, वहां गए। इस बात को अकबर के सबसे लंगोटिया यार कहे या फिर आप कहे अजीज दोस्त नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल अपनी आईने अकबरी या अकबरनामा में लिखते हैं कि मानसिंह कछवाहा जब फतेहपुर सीकरी आए थे तो उन्होंने दरबारी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और डायरेक्ट दीवाने खास में घुस गए, बादशाह को सिजदा सलाम भी नहीं किया और सीधा कहा मैंने कहा था वो आदमी नहीं मानेगा। जलालुद्दीन ने कहा कि मानसिंह ये सल्तनत मुगलिया, हुकूमत मुगलिया का दरबार है, तेरा घर नहीं, जो बिना दरबारी मर्यादा के सीधा घुसा चला आ रहा है। और वहां से भी उनको अपमानित करके निकाल दिया गया और साथ साथ में कहा कि अगर तुम्हें अपने बाहुबल में इतना ही भरोसा है मानसिंह, तो मैं आज तुझे एक चुनौती देता हूं, बिहार में एक लुटेरा है दाऊद खान, उसको तुझे गिरफ्तार करना है बिना सेना के। हुकूमत मुगलिया से तुझे एक सेना, एक ढेला भी नहीं मिलेगा, तो बिना सेना के तुझे बिहार जाना है। तो मानसिंह को वहां से बिहार रवाना कर दिया गया था और वे सीधा चले गए बिहार। यानी एक तो मेवाड़ में अपमान हुआ, ऊपर से मुगल दरबार में फिर से अपमानित महसूस करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट दूत भेजा गया था भगवान दास कछवाहा को। भगवान दास जी जो हैं वह मानसिंह कछवाहा के पिता है। उस समय वो कश्मीर के सूबेदार थे मुगलिया दरबार में, और कश्मीर के सूबेदार होने के नाते जब उनको भेजा गया जब मेवाड़ में, तब कहते हैं सितंबर 1573 में ये भी मेवाड़ आए थे।
हालांकि हमारे पास में इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मेवाड़ी तवारीखों में लिखा हुआ है, मेवाड़ के जो चारण भाटों का इतिहास है उनमें लिखा हुआ है, बड़वाजियों के इतिहास में, कि जब भगवान दास मेवाड़ आए थे तो इनका भी मेवाड़ में भव्य स्वागत हुआ था काफी ठाट बाट से, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनसे मुलाकात नहीं की। इनके पुत्र की भांति ये भी बेचारे थक हार के मुंह लटका के वापस फतेहपुर सीकरी नहीं पहुंचे, कि उन्हें पता है कि उनके पुत्र का क्या हाल हुआ था, सीधा अपने कश्मीर लौटे अपने सूबे में। उसके बाद जलालुद्दीन अकबर ने अपना सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, यू समझ लीजिए अकबर का उस समय होम मिनिस्टर था ये राजा टोडरमल, जिसे अकबर के काल में मीर ए सामा कहा जाता है, घरेलू मामलात मंत्री मीर ए सामा टोडरमल, जिसे घरेलू मामलात मंत्री कह सकते हैं हम, यानी आज की तारीख में कहे तो होम मिनिस्टर, अकबर का होम मिनिस्टर, उसको भेजा और उसे कहा कि आपको जाना है। और राजा टोडरमल जब मेवाड़ आए थे नवंबर महीने में, ठेठ जनवरी को निकले, और इनका भी मेवाड़ में भव्य स्वागत हुआ, कोई कमी नहीं। उस समय मीरे सामा की सैलरी थी पर मंथ 25,000 की, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े आदमी थे राजा टोडरमल। महाराणा प्रताप ने इनसे भी मुलाकात की, इनसे मुलाकात की, इनका स्वागत भी किया अच्छे से, लेकिन जब भी राजा टोडरमल गुलामी की बात करते तो राणा प्रताप जो है उस बात को टाल देते, कहते कि आपने वहां नहरें बनवाई है फतेहपुर सीकरी और आगरे में, यहां पर भी देखिए ना कोई सिंचाई का विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है। राजा टोडरमल समझ चुके थे कि यह आदमी अधीनता स्वीकार करने की वाली बात सुनना ही नहीं चाहता, तो इसे क्या सुनाए, भले अकबर का मैसेज क्या सुनाए। आखिरकार राजा टोडरमल ने एक ऑफर दिया महाराणा प्रताप सिंह जी को, कहा कि आपका मेवाड़ ही नहीं, आपका चित्तौड़ ही नहीं, मैं अकबर की तरफ से वायदा करता हूं कि आपको पूरे राजपूताने का सूबेदार बना देंगे हमारे बादशाह आलम पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये मैं आपसे वायदा करता हूं, बस आप दो काम कर लीजिए, अपने सिक्कों पर कलमा खुदवा लीजिए और अपने घोड़ों को दगवा लीजिए, यानी घोड़ों पर मुगलिया मुहर लगवा दीजिए। राणा प्रताप बात को टाल कर कहते कि ये नहरें कैसी बनती हैं, आप थोड़ा देखो ना इधर। राजा टोडरमल समझ चुके थे कि ये आदमी सुनना ही नहीं चाहता। राजा टोडरमल भी बेचारे थक हार के न्यू ईयर यही सेलिब्रेट करके सीधा फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं। जब राजा टोडरमल फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे तब यही अबुल फजल लिखता है 1574 जनवरी महीने में, यही अबुल फजल लिखता है कि उसी समय बिहार जीतकर मानसिंह भी आए थे, और मानसिंह जब बिहार जीतकर आए तो स्वाभाविक सी बात है दोनों की एक साथ एंट्री हुई, ऐसा अबुल फजल लिखता है। जब मानसिंह भी दरबार में एक साथ गए और टोडरमल भी गए, मानसिंह बिहार जीत के आए हैं और राजा टोडरमल मेवाड़ से फेल होके आए हैं, क्या लगता है मानसिंह को मजा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इस बार बकायदा मानसिंह ने सिजदा सलाम किया आलमपना को, और आलमपना खुश हुए, खड़े हुए बादशाह जलालुद्दीन, और उनकी बाहा पसाव की, गले मिलाया और उनके उचित स्थान पर बिठाया। अब बारी थी टोडरमल की। टोडरमल इतने उग्र स्वभाव के नहीं हैं, वो जानते हैं कि मानसिंह के साथ क्या हुआ था, इसलिए टोडरमल ने कुछ भी शब्द नहीं बोला, सीधी अपनी पगड़ी उतारकर जलालुद्दीन के पैरों में रख ली। जलालुद्दीन समझ चुके थे कि मेवाड़ में क्या हुआ, वो व्यक्ति नहीं माना, तो सारा गुस्सा पगड़ी पर निकालकर जलालुद्दीन ने उस पगड़ी को लात मारकर कहा कि अब इस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं, जलालुद्दीन खुद मेवाड़ जाएगा। जितने में मानसिंह कछवा खड़े हुए और कहा कि आलमपना गुस्सा की माफ, यह बात तो मैंने आपको पहले भी कही थी, और जहां तक अपमान का सवाल है वो मेरा हुआ है आपका नहीं, इसलिए मानसिंह जाए तो बेहतर है। यानी अपमान अपमान अपमान, सिर्फ अपमान की बात अभी तक मानसिंह के जहन से गई नहीं है, और आप देख सकते हो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि यह लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, अगर यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती जैसा मार्केट में बताया जाता है, इनके नाम पर कुछ नेता राजनीति करते हैं,
तो बताना चाहूंगा ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती तो अकबर के सेनापति मानसिंह कछवाहा ना होते, अगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति पठान हकीम खां सूर ना होते। ये लड़ाई मान स्वाभिमान की है, ये मान अपमान की है। एक कह रहा है मैं झुकाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा, इस बात की लड़ाई है। तो देखते हैं लड़ाई कितनी खतरनाक होती है। चलिए सीधा चलते हैं हम हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतकरो असवार कठे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध 1576-1576। देखिए हल्दी घाटी युद्ध को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा। और हल्दी घाटी युद्ध जो है, या कोई भी युद्ध हो या कोई भी इतिहास हो, बिना प्रमाण के हम बात नहीं कर सकते। हल्दी घाटी युद्ध का जो हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वो है मुंतखब उत तवारीख। ये मुंतखब उत तवारीख जो है युद्ध में मौजूद अकबर के एक सेनापति अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। अब्दुल कादिर बदायूनी। दूसरा हमारे पास में इस युद्ध से संबंधित जो प्रमाण है, तथ्य है, वो है हमारे पास में आईन ए अकबरी। जो अकबरनामा का ही है एक हिस्सा है और ये लिखा है अकबर के सबसे अजीज मित्र अबुल फजल ने। तीसरा हमारे पास में जो प्रमाण है इस युद्ध को जानने का वो है प्रमाण हमारे पास में, और वो है आपका चीरवा घाटे का शिलालेख जो कि उदयपुर के अंदर है। चौथा हमारे पास में प्रमाण है वो है अमर काव्य वंशावली। ये अमर काव्य वंशावली जो है वह बड़वाजियों का इतिहास है और इसको लिखा है रणछोड़ भट्ट ने। इसके अलावा पांचवा प्रमाण है हमारे पास में राज प्रशस्ति। आप कहते हो कि सर डीप में जाते, आरएस में जब सवाल आएंगे ना मेंस में, हल्दी घाटी के बारे में 100 शब्दों में लिखिए या 50 शब्दों में लिखिए, तब ये सारे तथ्य लिखने पड़ेंगे। वहां पे मुंह में उंगली डाल के नहीं बैठ सकते आप कि हल्दी घाटी 1576 में हुआ, 18 जून में हुआ। एग्जामिनर को क्रीम उत्तर चाहिए, तथ्यों के साथ शब्दों का बैलेंस चाहिए। मैं मेंस आंसर राइटिंग भी आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा कि मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करता है। राज प्रशस्ति, इसका लेखक भी है रणछोड़ भट्ट। और हाल ही में एक शोध हुआ है, अभी हाल ही में कुछ इतिहासकार शोध कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा उन इतिहासकारों में कुछ हिस्सा मैं भी हूं, और वो हैं खरसाण शिलालेख। इस शिलालेख में, ये भी उदयपुर के अंदर है, ये पुख्ता प्रमाणित हो चुका है कि इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने जीता था। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंस है हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित। मैं चाहूंगा इसको अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें। ठीक है साहब, कुसुम कुमारी, दिव्याश्री, जीतू कुमार, सचिन जी, नोट कर लीजिए सबके सब। नाम बड़े क्यूट क्यूट है आप लोगों के। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, आईन ए अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल, चीरवा लेख उदयपुर, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट,
राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट खरसाण लेख उदयपुर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। सबने लिख लिया? एक बार यस बोलिए। चलो, इतना समय हम नहीं दे सकते किसी भी चीज को लंबे टाइम तक। थैंक यू सो मच सानू जी। यार ये 200 लाइव दिखते मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे 2000 लाइव चाहिए कम से कम। कुछ भी करो, इतनी मेहनत मैं आपके लिए लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ी मेहनत करो। बार बार ना बोलना पड़े, लाइक करो शेयर करो। रात को उठ के भी अगर भूल जाओ तो रात को उठ के भी लाइक करना और शेयर करना आपको। चले थोड़ा सा हल्दी घाटी के बारे में मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम मुगल खेमे की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। जब भी आएगा डेप्थ में आएगा, डीप में जाएगा सवाल, ठीक है। तो मुगल खेमे की ओर से इस युद्ध में जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हो मुगल खेमे का नेतृत्व अकबर कर रहे थे, भले युद्ध में नहीं थे लेकिन युद्ध तो अकबर का ही कहलाएगा, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। और मेवाड़ खेमे में युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाराणा प्रताप सिंह। भले वो सेनापति नहीं है लेकिन फिर भी युद्ध तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ही कहलाएगा। मुगल खेमे की ओर से बदायूनी की जानकारी के अनुसार, बदायूनी जो कि उस पक्ष का लेखक है, बदायूनी लिखता है कि इस युद्ध की जानकारी हमें मुंतकब तवारिक में मिलती है। मुंतकब तवारिक के मुताबिक ही बता रहा हूं आपको। बदायूनी लिखता है कि सेनापति जो हमारा जो मीर ए बख्शी था, मीर ए बख्शी, मीर ए बख्शी का मतलब होता है सेनापति, वो बनाया गया था मानसिंह कछवाहा को। मीर ए बख्शी थे मानसिंह कछवाहा, और इस सेना के जो उप सेनापति थे जिनको सदर ए मीर कहा जाता है, तो उप सेनापति जो थे मुगल खेमे की ओर से मीर ए सदर जो थे वे बनाए गए थे आसिफ खान को। आसिफ खान नूरे जहां का भाई। इसके अलावा वह कहता है कि 79 सेनानायक थे हमारे पास में। सेनानायक यानी टोटल जो सेनानायकों की संख्या वो थी 79। जैसे इन सेनानायकों में कुछ नाम मैं आपको बताऊं, नकीब खान, हसन खान, मुअतमीद खान, शहजादा नूरुद्दीन सलीम खान, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी खुद, मेहत्तर खान, मानसिंह सोनगरा। मानसिंह कछवा के अलावा मानसिंह सोनगरा भी थे, ठीक है। ऐसे टोटल सेनानायकों की संख्या कितनी थी? 79 सेनानायक थे। मेवाड़ खेमे की बात करें तो मेवाड़ खेमे के अंदर जो सेनापति बनाए गए थे, सेना के सेनापति, वह थे पठान हकीम खां सूर। हकीम खां सूर उप सेनापति बनाए गए थे मेवाड़ सेना के, वे थे मानसिंह झाला, झाला मानसिंह। एंड अन्य सेनानायकों की संख्या अनुमानित है, फिक्स नहीं कह सकते, वह 20 से 25 के आसपास थी, जिसमें हकीम खासूर, मानसिंह झाला के अलावा राणा प्रताप, इसके अलावा भीलू राणा पूंजा, इसके अलावा कृष्णदास जी चुंडावत। जब भी आएगा सवाल डेप्थ में ही आएगा। इसके अलावा जो है वह है ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर,
उनके पुत्र कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह, ठीक है, ये कुछ सेनापति हैं मेवाड़ की ओर से, रामरख पंवार राणा प्रताप के ससुर जी। ऐसे टोटल सेनानायकों की संख्या 20 से 25 बताई जाती है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। मैं तो सारे लिखवा सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सारे लिखवाऊं आपको। हां जी, रामशाह तंवर पूरे। जब तक आप धाप नहीं जाओगे तब तक करवाया जाएगा प्रकाश जी, यूट्यूब पे हमेशा रहेगी क्लास। चले लिख लीजिए फटाफट। हाँ पिक्स ले लो जैसा आप अच्छे से समझ पाओ। सब बताएंगे सब बताएंगे। अभी तक हल्दी घाटी का लाइव शुरू कहां किया हमने? लाइव करेंगे अभी अभी तो हम हल्दी घाटी की प्लानिंग कर रहे हैं। युद्ध तो आपके सामने शुरू होगा, अभी तक तो प्लानिंग चल रही है मित्रों। चलो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब कुछ और चीजें मैं साथ साथ में ऐड करते रहता हूं, आप भी ऐड करते रहिएगा। मुगलों की ओर से इस युद्ध की जो योजना तैयार की गई थी उस योजना को देख लीजिए। मुगल सेना की ओर से जो योजना तैयार की गई थी इस युद्ध की योजना, उस योजना को तैयार किया गया था अजमेर किले में, जिसे अकबर का दौलत खाना कहलाता है। अकबर का दौलत खाना या फिर मैगजीन किला कहलाता है या अकबर का किला कहलाता है अजमेर। और मेवाड़ की ओर से इस युद्ध की जो योजना तैयार की गई थी, ऑब्वियसली सी बात है एक ही जगह बची है कुंभलगढ़, तो इसको कुंभलगढ़ की जूनी कचहरी में तैयार किया गया था। मेवाड़ सेना की ओर से सैनिकों की जो संख्या बताई, मुगलों की ओर से जो सैनिकों की संख्या बताई है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ध्यान से सुनिएगा मेरे तथ्यों को क्योंकि तथ्य इधर के उधर आप लोगों के होते रहते हैं। बदायूनी ने जो सेना की संख्या बताई है मुगल फौज की, वो बताई है 85,000 अहदी सेना। मतलब परमानेंट सेना, परमानेंट। और 20,000 बताई है दाखिली सेना, दाखिली मतलब युद्ध के समय भर्ती किए जाने वाले, यानी नॉन परमानेंट। ये पेशेवर सैनिक है और ये नॉन परमानेंट है। जबकि अमर काव्य वंशावली के हिसाब से मुगलों की सेना की संख्या बताई गई है 80,000। तो आंकड़ों में अंतर है। अमर काव्य वंशावली की ओर से मुगलों की सेना बताई गई है 80,000, जबकि बदायूनी के अकॉर्डिंग सेना की संख्या 85,000 प्लस 20,000। मुख्य सेना है 85,000 और अन्य सेना है वह 20,000। वहीं मेवाड़ की सेना की संख्या बताई जाती है चीरवा घाटे के शिलालेख के अनुसार 15,000, ठीक है, और अमर काव्य वंशावली के अनुसार 20,000 सैनिक संख्या बताई जाती है। फिर बाद में नीचे आके न तो ढंग से सुनते हो आप और फिर नीचे तरह तरह के कमेंट मारते हो कि सर आपने तो ये कहा हमने तो ये पढ़ा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके। इसके अलावा इस सेना में मुगलों की ओर से जो है हाथी इस्तेमाल किए गए थे, उन हाथियों की संख्या 500 से 1,000 के बीच में थी। और उन हाथियों में मुख्य हाथी थे गजयुक्ता, गजराज, मर्दाना,
ऐसे कुछ हाथियों के नाम थे। वहीं मेवाड़ के हाथियों की संख्या बताई जाती है मात्र 4। उनमें से एक हाथी है राम प्रसाद, लूणा प्रसाद, चक्रवाप, खांडेराव। ये 4 हाथी थे मेवाड़ के। ठीक है, मुगलों की ओर से तोपों की बात की जाए, तोपें मुगलों के पास में तोपें और बंदूक थी। अनुमानित आंकड़ा है, फिक्स नहीं है, 500 से 1000 के बीच में था। ठीक है, मेवाड़ के पास में तोपें और बंदूक थी नहीं थे, ध्यान रखना नहीं थे। मुगलों के पास में जो तीरंदाज थे, तीर चलाने वाले, वह लगभग जो थे 1000 से 1500 के बीच में, अनुमानित आंकड़ा है। मेवाड़ के पास में जो तीरंदाज थे वह लगभग 500 थे। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं मेवाड़ और मुगल के बीच में कंपैरिजन करने के। आप चाहे तो इसे अच्छे से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सब आएंगे बीच में, डोंट वरी। तो इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करें, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आप कहते हो नोट्स बनवाते नहीं, इसलिए मैं यहां पे बनवा रहा हूं। तो एक बार सब सर्वसम्मति से तय करो कि ऐसी चीजों का स्क्रीनशॉट लेना पसंद करोगे या नोट करना पसंद करोगे। मुझे भी अब ऐसा ही कहना पड़ेगा क्लास में, महाकाल की सौगंध, मुझे 5000 तब जब तक लाइव नहीं दिखाई देंगे तब तक मैं मार्कर नहीं चलाऊंगा। तो प्रयास कीजिए। चले, तो उम्मीद करता हूं आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि जब योजना बनाई गई अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, मैगजीन फोर्ट में, और आप जरा थोड़ा सा यहां पे दिमाग पे जोर ये डालिए कि सोच के देखिए कि मेवाड़ से मुगलों को क्या चाहिए। जो कुछ चाहिए था वो तो जलालुद्दीन पहले से ही हासिल कर चुके थे उदय सिंह जी के समय। चित्तौड़ पूरा जीत लिया, पूरा मेवाड़ जीत लिया, तो अब मेवाड़ से क्या चाहिए उनको। यानी जलालुद्दीन अकबर की नजर में महाराणा प्रताप को झुकाना है। जलालुद्दीन की अकबर की नजर में उनकी जो अकड़ है उसे निकालना है। तो कुल मिला के मुगलों का एक ही मिशन है, महाराणा प्रताप को झुकाना। बाकी मेवाड़ से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुगल ये प्लानिंग बताते हैं अजमेर किले में, ठीक है ध्यान से सुनना, यहां पर मुगल ये प्लानिंग बनाते हैं अजमेर किले में, अजमेर के मैगजीन फोर्ट में, तो उनके नजरिए से राणा प्रताप को गिरफ्तार करना है तो उन्हें कहां जाना पड़ेगा, जहां उनका एरिया है। तो मुगलों की नजर में महाराणा प्रताप का एरिया कहां है, गोगुंदा के आसपास। ठीक है, क्योंकि कुंभलगढ़ का किला तो अब तक उनको पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, नजर ही नहीं आया था। तो सारे मुगल जो हैं वह गोगुंदा पर हमला करना चाहते थे। इसलिए आपको पता होगा बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। सवाल बनता है कि बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा, तो गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा, क्योंकि उनका मिशन गोगुंदा था। एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, ये क्या मुगलों को पता था कि हल्दी घाटी में युद्ध होगा, हमें हल्दी घाटी में कूटा जाएगा, नहीं पता था ना। हल्दी घाटी युद्ध,
हल्दी घाटी कब फेमस हुआ, युद्ध से पहले या बाद में? बाद में। तो पहले तो हल्दी घाटी को कोई मुगल जानता नहीं था, इसलिए मुगलों का निशाना क्या है, गोगुंदा। इसलिए सेना जो है वह अजमेर के रास्ते से गोगुंदा जाना चाहती थी। अगर यह सेना अजमेर के रास्ते से गोगुंदा की तरफ जाएगी तो यह सेना मांडलगढ़ के रास्ते से भीलवाड़ा होते हुए, यह सेना जो है वह मोलेला के रास्ते से, मोलेला गांव होते हुए यह सेना खमनोर के रास्ते से, यह सेना जो है लोसिंग होते हुए, यह सेना कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदा पहुंचेगी। अगर किसी ने यह रास्ता देख रखा होगा तो उसको अच्छी तरह से मालूम है कि अजमेर वाया मांडलगढ़, मोलेला, खमनोर, लोसिंग, कुंभलगढ़ से रास्ते से गोगुंदा आता है, ठीक है। अगर यह मुगल फौज जो है वह अजमेर के रास्ते से वाया मांडलगढ़, मोलेला, खमनोर, लोसिंग, कुंभलगढ़, गोगुंदा होते हुए निकलती है तो आपको क्या लगता है मेवाड़ के पास में खोने के लिए क्या है? मेवाड़ के पास में खोने के लिए दो ही चीजें बची हैं, एक तो राणा प्रताप का स्वाभिमान और दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, है ना। तो अभी हाल ही में जो शोध हुए हैं उसी के आधार पर मैं ये सब कुछ बता पा रहा हूं आपको। तो अगर ये सेना अजमेर के रास्ते से जो है निकलेगी तो बीच रास्ते में ये कुंभलगढ़ से होकर निकलेगी और कुंभलगढ़ पर हमला कर सकती है। इसलिए मेवाड़ का योजना क्या होगी, मेवाड़ की क्या योजना होगी, भाई मेवाड़ भी तो योजना बनाएगा। तो मेवाड़ की योजना में सबसे प्रायोरिटी पे क्या होगा, सबसे प्राथमिकता पे क्या होगा, सबसे पहले प्राथमिकता पे यह होगा कि वे कुंभलगढ़ की रक्षा करें और महाराणा प्रताप की सुरक्षा करें। यह दो महत्वपूर्ण काम है मेवाड़ियों के। और बता दूं युद्ध की योजना बनाने से पहले जो है वह जब कुंभलगढ़ किले के अंदर जब युद्ध की योजना तैयार की गई थी तो मेवाड़ में कुछ ऐसे सेनानायक थे जो दो तरह की विचारधारा वाले लोग थे। उन दो तरह की विचारधाराओं में मेवाड़ में जो जो बुजुर्ग थे, जो सीनियर थे, जैसे सीनियर में कृष्णदास जी चुंडावत हो गए और इसके अलावा राम शाह तंवर हो गए, इसके अलावा रावत ताराचंद हो गए, रावत लूणकरण हो गए, ये सारे के सारे चाह रहे थे कि मुगल की फौज जो है वह ज्यादा है इसलिए हम उनसे युद्ध में आमने सामने ना भिड़के पहले छिपकर वार करें। लेकिन जितने भी ये युवा जोशीले नौजवान थे, कुंवर शालीवाहन, इसके अलावा कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह, ये चाहते थे युवा जोशीले कि हम सीधे सीधा सीना ठोक के सामने जाएं। तो इसलिए मेवाड़ ने इस युद्ध की योजना इस प्रकार से तैयार की कि हम एक काम कर सकते हैं, कुंभलगढ़ किले की रक्षा का भार जो है पहले किसी को सौंप देते हैं, ठीक है। और कुंभलगढ़ किले की रक्षा का भार सौंपा गया था भील राणा पूंजा को, तो राणा पूंजा को कुंभलगढ़ किले की रक्षा का भार सौंपा गया। पहला काम मेवाड़ियों ने यह किया। और दूसरा काम यह किया कि खमनोर से एक रास्ता जाता है हल्दी घाटी की तरफ, खमनोर से एक रास्ता निकलता है हल्दी घाटी की तरफ जो खमनोर से वाया रक्त तलाई होते हुए हल्दी घाटी की तरफ जाता है। आप कभी इस मार्ग पे आए हो तो आपको भली भांति इस मार्ग के बारे में ज्ञात होगा, ठीक है। तो मेवाड़ का प्लान यह था कि देखिए यहां पर एक चीज मैं और आपको आइडेंटिफाई करवा के दिखाना चाहता हूं। यहां जो ये पहाड़ियां जो है ना वो इस प्रकार से पहाड़ियां हैं और यहां पे ये घुमावदार पहाड़ियां हैं। ये तीन मार्ग यहां से निकलते हैं पहाड़ी दर्रे से होते हुए, ठीक है। सामने एक पहाड़ी, एक कोने में पहाड़ी और एक इस तरफ पहाड़ी, और बीच में से खमनोर से होता हुआ रक्त तलाई होते हुए एक मार्ग जाता है हल्दी घाटी की तरफ। उम्मीद करता हूं यह मैप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे वाली कहानी आपको समझा देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। देखिए मुगल सेना अजमेर से मांडलगढ़, मोलेला, खमनोर, लोसिंग, कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदा पहुंचना चाहती है,
ठीक है, मेवाड़ का प्लान है कि इनको खमनोर से ही भटका के हल्दी घाटी जैसे तंग दर्रे में धकेला जाए। ठीक है, अब देखते हैं किसका प्लान सक्सेस होता है। चलिए हम चलते हैं बदायूनी की तरफ, क्योंकि बदायूनी युद्ध में साथ हैं, वो जो कुछ लिखेगा हमें मानना पड़ेगा। मैं बदायूनी के साथ साथ आता हूं, आप हल्दी घाटी में ही रुके रहिए। देखिए बदायूनी लिखता है कि हमने युद्ध की योजना अजमेर के मैगजीन फोर्ट में बनाई थी, मैगजीन किले में बनाई थी, और इस योजना के तहत जब सेनापति हमारे सेनापति जो है मानसिंह कछवाहा को बनाया गया था, इससे काफी जो है मुसलमान नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक काफिर एक मुस्लिम सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है। और स्पेशली बदायूनी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं खुद नाराज था, आसिफ खान नाराज था, नकीब खान नाराज था, हसन अली खान नाराज था, सबके सब नाराज थे, महत्तर खान भी नाराज था, लेकिन हम आलमपना जलालुद्दीन अकबर से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते थे कि मानसिंह को आपने हमारी सेना का कमांडर कैसे बना दिया, एक काफिर को। इवन नाराजगी तो इतनी थी कि बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमारी सेना जब अजमेर से रवाना हुई और हमने पहला नाइट स्टे पहला होल्ट किया मांडलगढ़ में, तो मांडलगढ़ से ही नकीब खान अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर वापस अजमेर रवाना हो गया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मुगल फौज में पहले से ही फूट पड़ी हुई थी, और जैसे बारात में लुगया कैसे नखरे करती है वैसे सारे नखरे कर रहे थे साथ में चलने को। यह तो बादशाह जलालुद्दीन अकबर के कोई कमांड को मना नहीं कर सकता था, इस कारण से ये सब आए थे। जब मांडलगढ़ से ये फौज रवाना हुई और दूसरा उन्होंने नाइट स्टे किया मोलेला में, दूसरा इन्होंने होल्ट किया मोलेला में, तब मेवाड़ की सेना जो है कुंभलगढ़ से निकलकर लौसिंग में आकर अपने शिविर डालती है। अब दोनों सेनाएं एक मोलेला में और दूसरी लौसिंग में थी, दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी हुई थी। और यह वाला सवाल भी कई बार आ चुका है कि मेवाड़ ने युद्ध से पहले अपने शिविर कहां डाले थे, तो लौसिंग में डाले थे। ठीक है, बीच में था खमनोर, तो दूसरा नाइट होल्ट जो मुगल फौज ने किया था वह किया था मोलेला में। ठीक है, बदायूं ने यहां तक लिखा है कि मोलेला में जब हम थे तब अगले दिन हमें जो है खमनोर के रास्ते से गोगुंदा की तरफ जाना था और वहां प्रताप सिंह को बंदी बनाने का प्लान था हमारी फौज का, लेकिन मोलेला से हम में से अधिकांश लोग रवाना ही नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मानसिंह सेनापति हैं। इवन दैट अभी हाल ही के शोध में यहां तक भी पता चला है कि मानसिंह मोलेला में काफी नाराज भी हुआ था, और मानसिंह ने नाराजगी दिखाते हुए अकेले कि तुम रोना जो रो मैं तो चला, तो मानसिंह अकेले शिकार खेलने के लिए मोलेला के जंगलों में चले गए। उस समय जब मोलेला में मानसिंह अकेले शिकार कर रहे थे तब सारे मेवाड़ी सरदारों में जितने भी ये युवा लोग थे उन्होंने कहा कि मानसिंह अकेला घूम रहा है, यहां गोटी बना दे क्या उसकी। तब सारे सीनियर्स ने कहा, स्पेशली कृष्णदास जी चुंडावत और रामशाह तंवर ने कहा कि हम मानसिंह को अकेला पाकर युद्ध में नहीं मार सकते, क्योंकि ये लड़ाई जो है मुगल फौज और मेवाड़ के बीच में है, हम ये लड़ाई जो है सिसोदिया और कछवाओं के बीच में लगाना नहीं चाहते जो पीढ़ियों की बनेगी, इसलिए वहां गोटी तो वहां पे भी बना देते मानसिंह को, लेकिन सीनियर सिटीजन की सूझबूझ की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए साथियों, यहां जब मोलेला में मुगल फौज थी तो स्पष्ट शब्दों में बदायूनी ने लिखा है कि उनको रवाना होते होते शाम ढल चुकी थी। मैंने कहा ना बारात में जाने से पहले औरतें कैसे नखरे करती हैं, वैसे सारे नखरे कर रहे थे। शाम हो चुकी थी मोलेला गांव में, तब तक मेवाड़ की जो सेना है वह लौसिंग से होते हुए हल्दी घाटी की तरफ निकल आई थी। ठीक है, और
जब ये सेना मोलेला से खमनोर तक आई मुगल फौज, तब बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माहौल और मौसम बड़ा खुशनुमा था, बड़ा शानदार माहौल था, और इस माहौल के अंदर शानदार हवाएं चल रही थी, झरने बह रहे थे। मैं सेना के चंदावल दस्ते में था, मैं पीछे वाले हिस्से में था, बदायूं ने लिखा है, पीछे वाले हिस्से में था, और हम एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे, अट्ठहास करने लगे। यानी बदायूं ने यह कहना चाहता है कि जब खमनोर आए तब एक भी मेवाड़ी वहां नजर नहीं आया, और हम मेवाड़ियों का मजाक बनाने लगे। जो मेवाड़ी ये दम भर रहे थे, अपना घमंड दिखा रहे थे कि अपने भूपा अकबर को साथ लाना मत भूलना, ऐसे मेवाड़ी हमारे डर से सैनिक काफिले को देखकर पता नहीं कहां दुबक के बैठ गए। इतना ही कहा बदायूनी ने, ध्यान दीजिएगा बदायूनी के शब्दों पे। बदायूनी कहता है मैं चंदावल दस्ते में था, पीछे वाले हिस्से में था, और हमारे सैनिक एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मेवाड़ का मजाक बना रहे थे। फिर उसका टोन अकस्मात से चेंज हो जाता है, वो कहता है कि सामने वाली पहाड़ी से हमें तरह तरह की आवाजें सुनाई दी, तरह तरह की, कोई कू कू कर रहा था, और हमारे सैनिक जो है सामने वाली पहाड़ी की तरफ भागे तो पीछे से कू कू की आवाज आने लगी, तो इस तरफ भागे, जब इस तरफ भागे तो इधर से आवाजें आने लगी, हम इस तरफ भागे, यूं कर करके खमनोर में हम गोल गोल घूम रहे थे। और खमनोर में जब हम गोल गोल घूम रहे थे तो पता नहीं इन पहाड़ियों में छुपे हुए मेवाड़ियों ने ऐसे बाटे और तीर मारे कि हमें समझ ही नहीं आया कि किस दिशा की तरफ भागे। जितने में जो मुगल सेना का एक कमांडर था जिसके पास में रसद सामग्री थी, जिसका नाम था हादी बैग, वह हादी बैग दौड़ा दौड़ा मानसिंह कछुआ के पास में आया और कहने लगा कि जनाब मीर बख्शी, इन मेवाड़ियों ने हमारी रसद सामग्री लूट ली है, अब क्या करें हम। तो मानसिंह कछुआ इतना नाराज हो गए थे कि हाथी के ऊपर बैठे अपनी छतरी उखाड़कर हादी बैग की तरफ फेंकी, कमबख्त कही के रसद की सामग्री की रक्षा नहीं कर पाया तू। और इतना करते ही जो बदायूनी ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि हमारी सेना इधर गोल गोल घूमते हुए पता नहीं हमें किस दिशा की ओर जाना था, हमें समझ ही नहीं आया, और हम एक तंग दर्रे की तरफ निकल पड़े। वो दर्रा इससे भी बड़ा भयानक और बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। तंग दर्रे की तरफ निकले, ऐसा बदायूनी ने लिखा है। बदायूनी लिखता है कि हम तंग दर्रे की तरफ भागे, यानी वो सीधा सीधा कहना चाहता है कि हल्दीघाटी की तरफ हम भागे। हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो भाटे और तीर आएंगे, यानी हमें उन दर्रे की तरफ ही पड़ना था आगे। तो ये दर्रे की तरफ आगे निकल पड़े। यानी पहली लड़ाई कहां हुई है मित्रों? खमनोर में। इसलिए अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध लिखा है। बदायूं ने कहता है कि वो तंग दर्रा इससे भी बड़ा भयानक, छतरी ऊपर होती है ना भाई, माही हाथी के ऊपर छतरी नहीं होती, हौदा। खमनोर से हमारी सेना जो है उस तंग दर्रे में निकल पड़ी। वो दर्रा कहते हैं इतना संकरा था कि एक समय में वहां पर दो पैदल सैनिक या एक घुड़सवार ही चल पाते थे। बदायूनी कहता है हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे क्योंकि पीछे जाना मतलब पहाड़ियों से तीर और भाटे आएंगे, हमें आगे ही बढ़ना था और हमें कोई और रास्ता ढूंढना था गोगुंदा तक पहुंचने के लिए। आप समझ रहे हो ना, वो चाहते थे कि और रास्ते से हम गोगुंदा पहुंचे। यानी मेवाड़ का प्लान सक्सेस रहा, ठीक है साहब। अब मेवाड़ का प्लान सक्सेस रहा, बदायूनी कहता है कि इस तंग दर्रे में हमने पूरी रात गुजारी क्योंकि खमनोर तक आते आते उनको शाम ढल गई थी, उसके बाद में पूरा दिन गुजारा, फिर से रात हमने गुजारी, अगला दिन निकल आया। यानी आप देख सकते हो 18 जून खमनोर में, फिर रात निकली, फिर दिन निकला, फिर रात हुई, फिर दिन निकला, यानी 21 जून हल्दी घाटी में। अब डेटो का कंफ्यूजन समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है यहां पर? हम आगे ही बढ़ सकते थे, इस समय तक हमारा सामना करने के लिए कोई नहीं आया, बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। चले आगे समझते हैं युद्ध किस टाइप से हुआ।
देखिए थोड़ा सा मैं इस फौज का आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। मुगल फौज का जो डायग्राम है वो इस तरह का है। इस ये पीछे वाला हिस्सा है चंदावल दस्ता, और ये बीच वाला हिस्सा है उसको कहते हैं ढोलान दस्ता। ढोलान ये दाया पार्श्व, दाया हिस्सा, और ये वाला हिस्सा है बाया पार्श्व। आगे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं हरावल दस्ता। हरावल, आगे वाले हिस्से को हरावल बोला जाता है। मुगल फौज में हरावल दस्ते में जो था वह था हसन अली खान, हादी बेग। ढोलान दस्ते में जो मुख्य था वह मानसिंह कछवाहा, बहलोल खान, शहजादा सलीम खान। दाएं पार्श्व में अब्दुल रहीम खाने खाना, इधर जो है मोतमीद खान, इसके अलावा टोडरमल। पीछे वाले दस्ते में मेहत्तर खान, आसिफ खान, बदायूनी, ये सब पीछे वाले हिस्से में थे। ठीक है, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर समझने के लिए। मेवाड़ फौज का आगे वाला हिस्सा जिसको हम हरावल बोलेंगे, उस हरावल में कृष्णदास जी चुंडावत थे। कृष्णदास चुंडावत, इसके अलावा पठान हकीम खां सूर। हकीम खां सूर भी जो है वह हरावल में थे। मेवाड़ सेना का जो ढोलान है यानी बीच वाला हिस्सा, उसमें है महाराणा प्रताप सिंह, इसके अलावा मानसिंह झाला, इसके अलावा रावत ताराचंद। मेवाड़ सेना के बाएं पार्श्व में है कुंवर शालीवाहन और रामशाह तंवर। मेवाड़ सेना के बाएं पार्श्व में है वह है आपके कुंवर भवानी सिंह, इसके अलावा रावत लूणकरण। मेवाड़ सेना के चंदावल में है यानी पीछे वाले हिस्से में है महाराणा प्रताप के ससुर जी रामरख पंवार और भीलू राणा पूंजा जैसे सेनानायक। कई बार यहां से सवाल उठते हैं, ध्यान से इस डायग्राम को समझना और नोट भी कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करते हुए निकलूं। मुगल फौज खमनोर में अपनी कुटाई करवा के रक्त तलाई से होते हुए हल्दी घाटी के दर्रे में आई थी। ठीक है, देखिए बदायूनी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जब हम रक्त तलाई तक पहुंचे थे तब तक हमारी सेना जो है काफी डरी हुई थी, हमारी रसद सामग्री भी लूट ली गई थी और हमारे सैनिक इतने डरे हुए थे, इसलिए नहीं कि मेवाड़ी बड़े ताकतवर है, इसलिए डरे हुए थे कि ये छिपके वार कर रहे हैं, और इतना डरे हुए थे कि किसी भी दर्रे में से कोई भी, अगर झाड़ियों में से कोई जंगली जानवर भी निकल जाता था तो हमारे जो सैनिक हैं वो काफी पीछे भागकर धड़ाधड़ उस पर तीर चलाना शुरू कर देते। मुगल सेना के बाएं पार्श्व में मुअतमीद खान था। मुअतमीद खान जब वो अपनी टुकड़ी लेकर उस दर्रे से निकल रहा था तब एक जंगली मुर्गा फड़फड़ाता हुआ आया
और उस जंगली मुर्गे को देखकर सैनिक डर गए और पीछे हटे और धड़ाधड़ उस पर तीर चलाने शुरू कर दिए। और फिर वो मुर्गा देखा और मुतमिन खान ने भूख लगी हुई थी कि रसद तो खत्म हो चुकी थी और वो मुर्गा खुद ही खा लिया और कहने लगा कि कमबख्त तो क्या मुर्गे मारने आए हो यहां पर। बदायूं ने लिखता है कि हमारी सेना जब रक्त तलाई तक पहुंच गई थी तब तक कोई भी हमें सामने नहीं दिखाई दिया, कोई भी सामने नहीं दिखाई दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ये गए कहां सारे मेवाड़ी। खैर हमारा मिशन तो गोगुंदा जाना था, कहीं ना कहीं तो उनको पकड़ ही लेंगे। तो जब रक्त तलाई तक हमारी फौज पहुंची तब जाके हमें एक पहाड़ी ढलान से कोई सैनिक टुकड़ी आती हुई दिखाई दी। यानी ये वाली जो सेना है मेवाड़ की वो ढलान पर थी, पहाड़ी पर थी, उसमें से आगे वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा था मेवाड़ सेना का। बदायूनी कहता है कि जूई रक्त तलाई तक हम पहुंचे तो हमारी सेना वहीं पर रुक गई, ब्रेक लगा लिए कि हां अल्लाह का शुक्र है कोई तो लड़ने आया है। अब आगे वाली जो मैं बातें बता रहा हूं साथियों, मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं एक इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, गलतियां हो सकती हैं। दूसरी बात, इंसान हूं इसलिए इस युद्ध को एक इंसानी जबान में तो बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। भगवान ही ऊपर से उतर के आए तो इसको जबान से कह सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर समझाने की। बस आप इस युद्ध में एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो कुछ मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूं, जो कुछ मैं बात बता रहा हूं आप समझिएगा कि ये सब एक साथ घटा है, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूं, एक जुबान से बताऊंगा तो अलग अलग जुबान तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, भाई यहां पे एक सीन हुआ दूसरा यहां पे सीन हुआ। तो मैं जो सीन बताऊंगा आप यूं समझ लेना एक ही समय में घटे हुए सारे सीन है, समझ गए। चलिए सुनिए, बदायूनी कहता है कि जब हम रक्त तलाई तक पहुंचे और हमारी सेना ने वहां ब्रेक लगाए और एक पहाड़ी ढलान से हमें सैनिक टुकड़ी आती हुई दिखाई दी, तो जनरली होता है युद्ध में कि भाई आमने सामने सेना आए और दूसरे वार्तालाप करें और कहें आक्रमण, कम से कम ये तो बोले। ये भी नहीं किया मेवाड़ियों ने, कुछ भी नहीं किया, हमारी सेना रक्त तलाई में रुकी और यह सेना आई और आते ही इसने तेजी से हमारी तरफ भागे। यह हरावल दस्ता मेवाड़ का तेजी से हमारे हरावल दस्ते पे टूट पड़ा और बायां पार्श्व हमारे दाएं पार्श्व पर और दायां पार्श्व हमारे बाएं पार्श्व पर टूट पड़ा और इतना भयंकर आक्रमण किया था वो एक ही झटके में, आधे घंटे की लड़ाई इतना तीव्र गति से किया गया था ये आक्रमण कि हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस आधे घंटे की लड़ाई के अंदर मैं आपको एक एक घटना बताऊंगा लेकिन समझना आप एक साथ घटी हुई घटनाएं हैं सारी। इस आधे घंटे की लड़ाई के अंदर पीछे से भीलू राणा पूंजा के तीरंदाजों ने सबसे पहले मेवाड़ मुगलों के तोपचियों को निशाना बनाया ताकि तोपची तोपे ही नहीं चला पाए, तो तोपचियों को इन्होंने ठंडा किया। मेवाड़ के इस हरावल दस्ते ने इतना तीव्र गति से यहां अटैक किया था कि हमारा हरावल दस्ता कुछ ही क्षणों के अंदर टूट के बिखर चुका था और मेवाड़ का यह हरावल दस्ता ठेठ मुगल फौज के ढोलान दस्ते तक आ चुका था और उसमें से सबसे ज्यादा जो तेजी से वार करने वाले व्यक्ति थे वह थे पठान हकीम का सूर, अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से हमारे ढोलान दस्ते की तरफ बढ़े और दुश्मन सेना को चीरते हुए, हमारे हरावल दस्ते को चीरते हुए ठेठ ढोलान दस्ते तक आ चुके थे। इतनी तीव्र रफ्तार से जैसे आपने बाहुबली फिल्म के अंदर देखा होगा बाहुबली को, वैसे दुश्मन सेना को चीरते हुए आ रहे थे और कृष्णराज जी चुंडावत जो हैं वह बड़ी सूझबूझ के साथ में लड़ रहे थे। इधर से बड़ी तेजी से कुंवर शालीवाहन ने तीव्र गति से आक्रमण किया, इधर कुंवर भवानी सिंह जो टूट पड़े हमारे दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व पर और हमारी सेना इतनी मिक्स हो चुकी थी कि हमें समझ ही नहीं आता आ रहा था। बदायूनी कहता है तलवार चलाते चलाते आसिफ खान से कि जनाब आसिफ खान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि दुश्मन के सैनिक कौन से हैं और हमारे सैनिक कौन से हैं, अब मैं किसको मारूं और किसको बचाऊं। तो आसिफ खान ने तलवार चलाते चलाते बदायूनी को कहा कि तू तो बस काटता रहे,
जो मूछो वाला दिखे उसे मार डाल और दाढ़ी वाला दिखे उसे बख्श दे, इंशाल्लाह इस्लाम का ही फायदा है। तो इन जिहादियों ने तो उल्टा अपनी सेना को ही ज्यादा काटा था, क्योंकि मुगल फौज में मूछो वाले ज्यादा थे, यानी हिंदू सैनिक ज्यादा थे, और अपनी ही सेना का नुकसान किया। बदायूनी कहता है कि इंशाल्लाह आसिफ खान, जनाब आसिफ खान, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। इस गर्मी की तपती धूप में मेरी खोपड़ी इतनी तप चुकी थी कि मुझे समझ कहां आ रहा था कि हमारे कौन से और दुश्मनों के सैनिक कौन से हैं। तो ये तो अपने ही सैनिकों को काट रहे थे। ये हमला इतना तीव्र रफ्तार से किया गया था कि इस तीव्र रफ्तार का इतना जबरदस्त अटैक था कि ये पीछे वाला दस्ता तो भाग खड़ा हुआ था, ठेठ बनास नदी के किनारे आकर रुका। जब मेहतर खान ने कहा कमबख्त तो कहां भाग रहे हो आलमपना, एक बहुत विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आने वाले, तब जाके रुके थे ये लोग। इतना तीव्र रफ्तार से भाग रहे थे ये। पठान हकीम का सूर की तलवार तेजी से दुश्मन सेना के हरावल को चीरते हुए ठेठ मानसिंह कछवा के हाथी तक पहुंच चुके थे। पठान हकीम का सूर अपनी तलवार लेकर बहलोल खान से मानसिंह ने पूछा कि ये तेजी से मेरी तरफ कौन आ रहा है। तो बहलोल खान ने कहा कि ये कोई हिंदू सैनिक तो नहीं लग रहा है। जितने में तो पठान हकीम का सूर ठेठ मानसिंह के हाथी तक पहुंच चुके थे और पीछे से एक मुगल सैनिक ने उनकी गर्दन पर तलवार मार दी और तलवार मारने की वजह से उनकी गर्दन वही गिर गई और उनका जो धड़ है यानी शरीर है वह घोड़ा लेकर ठेठ खमनोर पहुंचा। युद्ध समाप्ति के बाद राणा प्रताप ने जब पठान हकीम का सूर को दफनाना चाहा तो दफनाने वक्त उनके हाथ से तलवार नहीं निकली, यानी जो पठान ने वायदा किया था वो निभा भी लिया। इसलिए पठान हकीम का सूर की दो मजारे हैं, एक खमनोर में जहां सिर गिरा था, सॉरी एक खमनोर में है जहां पर उनका जो है धड़ गिरा था, और एक सिर की मजार जो है वह रक्त तलाई में है। इस आधे घंटे की लड़ाई के अंदर यह सब कुछ घटा और मेवाड़ और मुगल फौज का साथियों, मेवाड़ और मुगल फौज का ये बायां पार्श्व और दायां पार्श्व और हरावल, ये सारा का सारा हिस्सा इस आधे घंटे में फिनिश हो चुका था। अब आपको उम्मीद करता हूं युद्ध समझ में आ चुका होगा। इस आधे घंटे की लड़ाई में भयंकर रक्त बहा दोनों पक्षों की ओर से, और जो इनबैलेंस सेना थी ना वो अब बैलेंस बन चुकी थी। हालांकि अभी भी मुगलों की तुलना में मेवाड़ की सेना कमजोर है, कम है, ठीक है। अब ये युद्ध का दूसरा पड़ाव है। थोड़ा पानी पी लूं, युद्ध होता मेरी वाट लग जाती है। दिपेश चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब पठान हकीम का सूर रामशाह तंवर और उनके सातों पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे वक्त में एकलिंगनाथ के दीवान प्रताप सिंह उस समय घोड़े चेतक पर थे और पहाड़ी ढलान पर थे। मानसिंह झाला भी घोड़े पर थे और रावत ताराचंद इनके साथ में चार हाथी थे। रावत ताराचंद जो हैं ये हाथियों के कमांडर थे और ये खुद बैठे हुए थे लूणा प्रसाद हाथी पर। ये सब कुछ स्पीड से हुआ है लेकिन मैं आपको स्लो बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इंसान हूं भैया। राणा प्रताप को जब इस युद्ध में इतना भयंकर रक्त रंजित उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने अपने घोड़े चेतक को एड़ मारी। एड़ मारने का मतलब है लगाम खींची, और लगाम खींचते खींचते वो तेजी से
आगे बढ़ निकले। पीछे से झाला मानसिंह और ताराचंद ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दाता हुकुम कहां मानने वाले थे। जब राणा प्रताप का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, तो मैं बताना चाहूंगा मानसिंह कछवाहा के कंट्रोल में 500 हाथी थे, यानी हाथियों का कमांडर इधर मानसिंह कछवाहा थे, और बहलोल खान के पास में 6000 घुड़सवार थे। तो इन्होंने भी फिर आगे बढ़े। तो आप देख सकते हो यहां पर सीन क्या घटा। यहां पर राणा प्रताप सबसे आगे अपने प्रताप चेतक घोड़े पर, उसके पीछे झाला मानसिंह घोड़े पर, इसके अलावा भामह शाह घोड़े पर, इसके अलावा रावत ताराचंद हाथी पर, लूणा प्रसाद पर, और इनके कंट्रोल में है 4 हाथी, मतलब 4 महावत और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इधर से मानसिंह कछवाहा जो स्वयं मर्दाना हाथी पर बैठे हुए हैं, और उनके पास में 500 हाथी, और इधर बहलोल खान जिसके पास में है 6000 घुड़सवार, ये तेजी से इस तरफ बढ़े और राणा प्रताप तेजी से इस तरफ बढ़े। बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो घोड़ा, सुंड वाला घोड़ा, घोड़े का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि बदायूं थोड़ी जानता है कि उस घोड़े का नाम चेतक है। वो सुंड वाला घोड़ा इतनी तीव्र रफ्तार से आया था, इतनी तो सूर्य की किरण भी तेज नहीं होती। इन 500 हाथियों में सबसे आगे 12 हाथी भाग रहे थे। भाई हाथी भाग रहे जानवर है, एक लाइन से तो नहीं भागेंगे युद्ध में। इन हाथियों में 12 हाथी सबसे आगे भाग रहे थे, उन 12 में भी 5 हाथी सबसे आगे थे। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक तीव्र गति से उनकी तरफ आ रहा था। मैं कह रहा हूं यह कुछ क्षणों में हुआ है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 12 हाथी जब आगे भाग रहे थे, तो राणा प्रताप का घोड़ा चेतक उन हाथियों के सामने चढ़ गया, और ऐसे वक्त में दाता हुकुम राणा प्रताप ने घोड़े को एड़ मारी, और उस चेतक ने 5 आगे चल रहे हाथियों को, 5ों को एक साथ छलांग लगा ली, और उस छलांग लगाते वक्त उन 5ों हाथियों के ऊपर बैठे हुए 5 अलवर के पीरजादे थे, प्रताप ने एक तलवार मारी और 5ों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। और इतना करते ही राणा प्रताप सीधा बहलोल खान के 6000 घुड़सवारों से भिड़ गए। और इधर ये भामाशाह और झाला मानसिंह भी 6000 घुड़सवारों से गिर गए। इधर ये 500 हाथी, उसमें से सबसे आगे 12 हाथी, इनसे लूणा प्रसाद और ताराचंद भिड़े। यानी अब युद्ध में इस तरह से स्थिति बन चुकी थी कि एक तरफ मेवाड़ के 4 हाथी और उनको घेरे हुए हैं 12 हाथी। इधर राणा प्रताप, भामह शाह और झाला मानसिंह, इनको घेरे हुए 6000 घुड़सवार, जिसको कंट्रोल कर रहा है बहलोल खान। उम्मीद करता हूं साथियों आप सीन समझ चुके होंगे। देखिए ये दोनों लड़ाइयां जो हैं एक ही वक्त में हुई हैं, एक ही वक्त में, बस लोकेशन का अंतर है। यह लड़ाई जो हुई है वो रक्त तलाई में हुई है हाथियों वाली, और ये एग्जैक्ट लड़ाई हुई है हल्दी घाटी में। 4 हाथियों में मेवाड़ के 4 हाथी, लूणा प्रसाद, राम प्रसाद, चक्रवाप और खांडेराव, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? रावत ताराचंद। और साथ में उन हाथियों पर भी और भी महावत बैठे हुए, और भी सैनिक हैं लड़ने वाले। और इन 12 हाथियों का कमांडर है मानसिंह कछवाहा, जो खुद बैठे हुए हैं किस पर? मर्दाना हाथी पर। अब भाई साहब मानसिंह कछवाहा के 12 हाथियों ने जब घेरा इन 4 हाथियों को, तो मानसिंह कछवाहा भी एक राजपूत है, बहादुर योद्धा है, उसने अपने भाले और तीर मार मार के इन 4 हाथियों के महावतों को और इनके उनके जो सवार है उनको मार दिया, जिसमें एक बाला ताराचंद को भी पड़ा और ताराचंद भी वहीं ढेर हो गए।
इनमें से तीन हाथी तो शांत पड़ गए, लूणा प्रसाद, चक्रवाप और खांडेराव तो अपने महावत के मारे जाते ही शांत पड़ गए। क्योंकि आप बेहतर जानते हो, जानवर है बेचारा, बिना कंट्रोल के वो कैसे युद्ध कर सकता है। लेकिन एक हाथी शांत नहीं पड़ा जिसका नाम था राम प्रसाद। बिना महावत के वो 12 हाथियों से भिड़ा। उन 12 हाथियों में से 10 हाथियों को तो उसने पटक पटक के तुरंत ही मार दिया था, लेकिन उन 12 हाथियों में से 2 हाथी बड़े खतरनाक थे। एक का नाम था गजयुक्ता, मुगल हाथी। इस गजयुक्ता और राम प्रसाद की इतनी भयंकर लड़ाई हुई वहां पर, आगे हाथियों के नुकीला संकु लगाया जाता था, वो नुकीला वो हथियार होता ना, इससे एक दूसरे को भाग भाग के पचेड़े मार रहे थे और पूरा खून से दोनों नहला चुके थे। बधाई ने लिखता है कि इन हाथियों की लड़ाई से, इनकी चिंगाड़ों से इतना मैदान गूंज उठा था कि हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे। और उसमें ये गजयुक्ता बहुत भारी पड़ रहा था राम प्रसाद पर। कई बार राम प्रसाद को जख्मी किया इस गजयुक्ता ने, लेकिन राम प्रसाद ने हार ना मानते हुए भी अंतिम प्रहार किया, उठ के खड़ा हुआ और गजयुक्ता को एक बछेड़ मारी। गजयुक्ता वापस उठ नहीं पाया। अब गजयुक्ता को मार दिया है राम प्रसाद ने, स्वाभाविक सी बात है अगली बारी किसकी है? मर्दाना हाथी की, जिसपे बैठे हुए मानसिंह। अब मानसिंह समस्या में आ गए कि यार अब क्या होगा। जब ये हाथियों की लड़ाई जब चल रही थी, मैंने क्या कहा, दोनों सीन एक साथ घट रहे हैं। जब हाथियों की लड़ाई, राम प्रसाद अकेले 12 हाथियों से जब भिड़ रहा था, 4 हाथी जब 12 हाथियों से भिड़ रहे थे, उस समय राणा प्रताप घोड़े पर, भामाशाह घोड़े पर, झाला मानसिंह घोड़े पर उनको घेरे हुए थे बहलोल खान के 6,000 घुड़सवार, और उसमें सबसे भयानक तलवार चल रही थी झाला मानसिंह की। झाला मानसिंह की तलवार इतनी खतरनाक चल रही थी कि वो गाजर मूली की तरह मुगल घुड़सवारों को काटते जा रहे थे। और ये सब कुछ देख के सख्ते में आ गया बहलोल खान। ये बहलोल खान एक अबिसिनिया, इथोफिया का एक हबसी है, कसाई है, ये एक नरबक्षी है जिसको रोज ब्रेकफास्ट में एक इंसान का बच्चा खाने को चाहिए, वो भी कच्चा। इतने खतरनाक लोगों को जलालुद्दीन अकबर ने चुन चुन के हल्दीघाटी में भेजा था। बहलोल खान ने देखा जब झाला मानसिंह लगातार तलवार से मुगल सैनिकों का खात्मा कर रहे हैं, तब पीछे से बहलोल खान ने आकर झाला मानसिंह को तलवार मारने की कोशिश की और राणा प्रताप की नजर बहलोल खान पे पड़ गई। उन्होंने अपना एक टांग पे घोड़ा घुमाया और दे मारी उसके सिर पे तलवार, बहलोल खान के घोड़े समेत उसे 2 भागों में काट दिया, आधा बहलोल इधर और आधा बहलोल इधर। और ये देख के सारे घुड़सवार वही शांत पड़ गए। और ये सब कुछ करने के बाद में महाराणा प्रताप भी मर्दाना हाथी की तरफ भागे तेजी से, झाला मानसिंह और भामाशाह भी। यानी आप सोचिए मानसिंह कछुआ का क्या हाल हुआ होगा। एक तरफ ये राम प्रसाद हाथी भाग रहा है उनकी तरफ, दूसरी तरफ राणा प्रताप, भामाशाह और झाला मानसिंह भाग रहे हैं। भाई साहब, मानसिंह की हालत तो खराब से बद से बदतर हो गई वहां पर। इधर ये पीछे जो दर्शक हैं, ये दर्शक बताऊं इस दर्शकों के बारे में, ये महत्तर खान, आसिफ खान, बदायूनी ने आसिफ खान को कहा, जनाब आसिफ खान हमें मानसिंह की मदद करनी चाहिए। आसिफ खान ने कहा रोक, दोनों में से कोई भी मरे काफिर है, फायदा इस्लाम का ही है। यानी ये तो कैमरा लेके शूटिंग करने को आए थे, और बदायूनी ने कहा है ये बात कि हमने किया था ऐसा। लेकिन मानसिंह कछुआ भी वीर है, बहादुर है। बहादुर है। अब थोड़ी घटना मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरी तो हालत पैक हो गई इस युद्ध में। ये जब भी युद्ध आता है मुझे खुशी भी मिलती है, लेकिन शाम को मुझे गोली लेनी पड़ती है, हेडेक हो जाता है जोरदार वाला। भाई सीधी सी बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं महाराणा प्रताप ने भाला मारा, जैसे अक्सर लोग कहते, ऐसे ही कहूंगा भाला मारा जोश में। युद्ध की बात कर रहे हैं आप,
देखिए, अब हल्दी घाटी में कुछ इस तरह से सीन घट रहा है। मानसिंह कछवाहा मर्दाना हाथी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके सामने आ चुके हैं राणा प्रताप चेतक पर, उनके सामने झाला मानसिंह घोड़े पर, उनके घोड़े का नाम तो ज्ञात नहीं है, भामाशाह। मानसिंह के सामने झाला मानसिंह एक बार फिर से आए और घोड़ा लहराते हुए झाला मानसिंह ने फिर से टोन मारा मानसिंह कछुआ को, अपने फूफा अकबर को साथ नहीं लाया। राजपूती खून है, खोलेगा। मानसिंह ने तुरंत गुस्से से तेजी से झाला मानसिंह की तरफ भाला दे मारा और वो भाला उससे झाला मानसिंह तो बच गए, लेकिन राणा प्रताप ने अपना घोड़ा इस मर्दाना हाथी के ऊपर चढ़ा दिया। यह कुछ क्षणों में घटा है, मैं आपको स्लो में बता पाऊंगा, स्पीड से नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो इधर मर्दाना हाथी ने अपने ऊपर पैर लिए और इधर चेतक ने भी अपनी टापे जो है वह मर्दाना हाथी के दांतों पर फंसा ली और दोनों ने, झाला मानसिंह कछवाहा ने भी राणा प्रताप को भाला मारा और राणा प्रताप ने भी मानसिंह को भाला मारा, दोनों ने एक दूसरे को भाले मारे और वो भाला, कहा यह जाता है कि मानसिंह कछवाहा, मेवाड़ी तवारीख अमर काव्य वंशावली लिखती है कि मानसिंह कछवाहा होदे में झुक गए थे इसलिए वो भाले से बच गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राणा प्रताप का निशाना इतना कमजोर हो सकता है। बदायूं ने क्या लिखता है वो जरा सुनिए। बदायूं ने लिखता है कि जब राणा प्रताप ने भाला मारा और मानसिंह ने भी भाला मारा तो प्रताप का भाला महावत के कंधे को चीरता हुआ, जो मर्दाना हाथी का जो महावत था उसके कंधे को काटता हुआ सीधा छतरी में जा धसा था और मानसिंह होदे में दर्द से कहरा रहे थे, उनकी कान से खून निकल रहा था। मतलब साफ है, भाले का निशाना कहां लगा, महावत के कंधे को चीरते हुए छतरी में, और उस वजह से मानसिंह को होदे में दर्द से कहरा रहे थे, मतलब कान से खून निकल रहा था, मतलब भाले का या तो डंडा लगा या छतरी लगी। अगर भाला सीधा लगा होता तो मानसिंह परलोक ही चले जाते। सवा मण का भाला था राणा प्रताप के पास, सवा मण का, सवा मण लगभग 40-45 किलो का भाला, सोचो कान पे लगा होगा तो कैसा बजा होगा, टन। राणा प्रताप का एक वजन जो है ना 110 किलो था। अब देखिए यहां पर हुआ क्या वो समझना। जब महावत का कंधा कटा तो महावत के कंधे से निकला हुआ खून राणा प्रताप पे भी गिरा और मानसिंह पे भी गिरा। क्योंकि दोनों ने भाले मारे थे, मतलब साफ है कि दोनों के सेना समझ चुकी थी कि वे अपने अपने योद्धा को खो चुके हैं, यानी मेवाड़ी समझ बैठे, मानसिंह झाला और भामाशाह और उनके सहयोगी, कि राणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हो गए और मुगल सैनिकों ने सोचा मानसिंह गए क्योंकि भाला दोनों ने मारा था और दोनों के शरीर पर खून था। उसी समय जब भाला मारा राणा प्रताप ने तब शायद एड़ ढीली पड़ गई, लगाम ढीली पड़ गई और उस पैर नीचे ले लिए और इस हाथी की सुंड में बंधी थी एक तलवार, हाथियों के सुंड में और पूंछों में छोटी तलवारें बांधते थे ताकि पूंछ हला के किसी का कान वान तो काटे। चेतक का पांव कट के पूरी तरह से लटक रहा था चमड़ी से, लेकिन चेतक ने महसूस होने नहीं दिया कि उसका पांव कट चुका है। अब आप इस कंडीशन में सोचिए, मुगलों के पास में अभी भी फौज बची हुई है, मुगलों के पास में अभी भी फौज बची हुई है और इस कंडीशन में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल है, उनके पास में हथियार तक नहीं है और वो मुगल खेमे में जाकर युद्ध कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में महाराणा प्रताप को घेर ले तो जितना युद्ध किया उसमें सब में पानी फिर सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर तुरंत जो ये लोग थे ना मेवाड़ी,
इन्होंने सबने राणा प्रताप को घेर लिया वहां पर, उनकी सुरक्षा के लिए घेरा बना दिया चारों तरफ, जिसमें मानसिंह झाला, राणा प्रताप के ससुर रामरख पवार, इनके अलावा भीलू राणा पूंजा, इनके अलावा इनको घेरे हुए जो है भामाशाह, शायद सैनिकों की संख्या बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। इधर जब मानसिंह को भाला पड़ा ना, तो स्वाभाविक सी बात है उनको बचाने के लिए भी मुगल सैनिक कोशिश करेंगे, तो इधर मानसिंह को भी मुगलों ने घेर लिया, मुगल सेना ने, उनकी सुरक्षा के लिए। तो मानसिंह के चारों तरफ भी एक घेरा हो गया, लेकिन यह घेरा बड़ा था, यह घेरा छोटा था। जब मानसिंह को होदे में होश आया तो उन्होंने कहा अपने सैनिकों को कि कंबख्त तो मेरी सुरक्षा, छोड़ो, पकड़ो उसको। आप सोचिए कि इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है। यह घेरा यहां से उठ के यहां पर आ गया, यानी चारों तरफ मुगल सैनिकों ने घेर रखा है, बीच में मेवाड़ी सैनिक घिरे हुए हैं और राणा प्रताप को, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राणा प्रताप को अभी भी पता नहीं है कि उनका घोड़ा चेतक तीन टांग पे खड़ा है, घोड़े ने महसूस तक होने नहीं दिया। ऐसे वक्त में झाला मानसिंह ने, जो हूबहू राणा प्रताप जैसे दिखते थे, मूछे कद काठी की स्टाइल में सब कुछ सेम था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दाता हुकुम, आप बचे तो मेवाड़ का स्वाभिमान बचेगा, और आप अगर चले गए तो मेवाड़ का स्वाभिमान फिर जिंदा कौन रखेगा, आपको तुरंत इस युद्ध क्षेत्र से निकल जाना चाहिए। राणा प्रताप कहां मानने वाले थे, रिक्वेस्ट उनके ससुर जी ने भी की, तब जाके मौन सहमति उन्होंने दी और झाला मानसिंह ने उनका छत्र सिर पे धारण किया और धारण करके सीधा इस टुकड़ी पर अटैक किया। तो ये सैनिक क्या सोचेंगे कि राणा प्रताप जो है वह मानसिंह पर अटैक करना चाहता है, तो झाला मानसिंह को राणा प्रताप समझकर इन मुगल सैनिकों ने घेर लिया चारों तरफ से, और इधर से पीछे वाले रास्ते से राणा प्रताप निकल गए। झाला मानसिंह, झाला मन्ना, चारों तरफ मुगल सैनिकों ने घेर लिया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जा सके, क्योंकि वे किसको समझ रहे थे कि यह प्रताप है, और उनके पास में कोई नहीं गया। सबने दूर से उनको तीर और भालों से पूरी तरह से बीद लिया था, इसलिए राणा प्रताप के पोते अमर सिंह जी के पुत्र करण सिंह ने उन्हें झाला बीदा के खिताब से नवाजा था। जब झाला मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुए तो सारे मुगल सैनिक उनके इर्द गिर्द नृत्य कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। मानसिंह कछुआ घोड़े से उतरे, हाथी से उतरे, और हाथी से उतर कर हटाया उन सैनिकों को और कहा कि कंबख्त तो यह प्रताप नहीं है, आसानी से वो नहीं मर सकता, जाओ उसका पीछा करो। जितने में वो दर्शक आ गए पीछे से, कौन, बदायूनी मेहत्तर खान, आसिफ खान, उन्होंने आकर मानसिंह से कहा कि जनाब मानसिंह, जब मैदान में यह हाल है तो पहाड़ियों में क्या होगा, हम मुगल सैनिकों को खतरे में नहीं डाल सकते, जितना जल्दी हो सके हमें यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर से रात ढलने वाली है। तो राणा प्रताप का मुगल सैनिकों ने पीछा नहीं किया, यह बदायूनी का वर्णन है। लोग कहते हैं राणा प्रताप का दो सैनिकों ने पीछा किया, ऐसा अमर काव्य वंशावली ने लिखा है, तो मैं ये सोचता हूं कभी कभार कि अगर अमर काव्य वंशावली के अनुसार राणा प्रताप का पीछा किया गया दो सैनिकों के साथ में, जो डरी सहमी सेना थी वो राणा प्रताप का पीछा कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है। मैं बदायूनी के शब्दों की बात कर रहा हूं, बदायूनी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, हमारी बची कुची जो लूली लंगड़ी जो सेना थी, उस सेना को जल्दी से जल्दी ऐसे इलाके में पहुंचना था जहां आसपास कोई पहाड़ियां ना हो, मैदान हो। वो डरी सहमी सेना में राणा प्रताप का पीछा करेगी इन पहाड़ियों में, कतई नहीं। इतनी डरी हुई थी वो सेना, पूरी रात तक जागती रही और अर्ली मॉर्निंग कल्टी मार गई। जो घायल सैनिक थे ना, उनको खाइया खोद खोद के
खाइयों में सुलाया गया। वो डरी सहमी सेना कैसे पीछा कर सकती है। इधर राणा प्रताप की तरफ बढ़ते हैं कि वो यहां हल्दी घाटी से कहां जाने वाले हैं। राणा प्रताप हल्दी घाटी से निकलकर सीधा खमनोर की तरफ निकले। देखिए ये युद्ध हुआ था साथियों जून में, जून महीना, गर्मी का मौसम, उमस का मौसम, और इतनी भयंकर उमस थी कि बदायूनी ने लिखा मेरी खोपड़ी तप रही थी जिहाद की बातें करते समय। और इस उमस के मौसम के बाद में भयंकर बारिश हुई थी युद्ध समाप्त होते ही, जैसे इंद्र देवता महाराणा प्रताप का खुद राज तिलक करना चाहते हो। भयंकर बारिश हुई और जो हल्दी घाटी और रक्त तलाई में जो खून बहा था उसका एक नाला बन के एक तालाब का रूप ले गया था, उसी को कहा गया रक्त तलाई। यहां से राणा प्रताप भयंकर बारिश में तेजी से खमनोर की तरफ निकले। बरसाती नदी नाले उफान पर आ चुके थे। खमनोर के पास में गांव है बलीचा, बलीचा गांव खमनोर में, वहां एक बरसाती नाला अचानक से चेतक के सामने आ गया और चेतक ने भागते भागते वहीं पर ब्रेक लगाया। जब ये भाग रहे थे तो अमर काव्य वंशावली कह रही थी, लिख रही है कि पीछे से आवाज भी लगाई शक्ति सिंह ने, पता नहीं शक्ति सिंह कहां से प्रकट करवा दिए, शक्ति ने आवाज भी लगाई ओ नीले घोड़े रासवार, लेकिन शायद भयंकर बारिश थी इस वजह से राणा प्रताप को सुनाई नहीं दिया हो। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद हो सकता है कि युद्ध में उन्हें लगा हो कि सारे एक एक करके मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या होगा इस देश का, इस स्वाभिमान का। आवाज उन्होंने नहीं सुनी। शक्ता ने दो मुगल सैनिकों का खात्मा किया, वो भी उनके पीछे जा रहे थे। खमनोर के पास बलीचा गांव में उस घोड़े ने ब्रेक लगाया और जहां उसकी चेतक की जो पांव लटक रहा था ना चमड़ी से, वो पांव भी वहीं गिर गया था। उसी को आजकल खोड़ी इमली नाम से जाना जाता है, खोड़ी इमली। और चेतक ने एकदम से छलांग लगाई उस नाले को और छलांग लगाते ही धड़ाम से गिर गया। इस बात को तो किसी ने नहीं लिखा है, मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि राणा प्रताप भी गिर के बहुत दूर चले गए होंगे और वहां से दौड़ते दौड़ते आए वापस चेतक के पास में। वो चेतक जो है थोड़ी देर फड़फड़ाया और उसकी मस्तक लेकर अपने गोदी में रखा। फोटो भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, चेतक को बहुत सारा हिलाने डुलाने की कोशिश की लेकिन चेतक नहीं जागा। भयंकर बारिश हो रही थी, पीछे से आवाज भी लगा रहे थे शक्ति, लेकिन सुनना कहां होता था राणा प्रताप को। शायद उनके सामने वो सारे दृश्य घूम रहे होंगे कि क्या हुआ पठान हकीम का सूर को, क्या हुआ होगा झाला मानसिंह को, और क्या हुआ कुंवर शालिवाहन को, एक एक करके सब मुझे छोड़ के जा रहे, और अब उनका सबसे प्रिय दोस्त और प्रिय मित्र चेतक भी उन्हें छोड़ के जा रहा है। इस देश का क्या होगा, इस स्वाभिमान का क्या होगा, इस देश की अखंडता का क्या होगा। तो राणा प्रताप को पीछे से शक्ति ने जो है उनको उठाया और दोनों भाई कस के गले लगे और फूट फूट के रोने लगे। अमर काव्य वंशावली लिखती है कि राणा प्रताप ने कहा कि एक एक करके मुझे सब छोड़ छोड़ के चले गए, अब इस देश को आजाद कौन करवाएगा। तब शक्ति ने कहा कि भैया भाई साहब आप चिंता ना करें, आपका शक्ता लौट आया है। और बलीचा के अंदर ही चेतक का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई जो है वह निकल गए वहीं पर। राणा प्रताप ने तुरंत शक्ति को कहा कि तुम्हें इसी वक्त भाई तुझे इसी वक्त कुंभलगढ़ पहुंचना है और परिवार को सुरक्षित वहां से निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, क्योंकि राणा प्रताप को थोड़ी पता है कि मुगल फौज यहां पर भी पीछा कर सकती है। तो शक्ति पूरे परिवार को लेकर कुंभलगढ़ से निकालकर उन्हें कौशीथल ले आए थे, कौशीथल वर्तमान भीलवाड़ा में यहां रखा। उसके बाद में वो भिंडर ले आए थे उनको उदयपुर में, और राणा प्रताप वहां से सीधा आवरगढ़ प्रस्थान कर गए। तो ये थी हल्दी घाटी युद्ध की पूरी दास्तान, जो मैंने आपको
सुना दी। साथियों, कैसी दास्तान लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ मेरे इस प्रयास को, मेरे इस चीज़ को, मेरे खुद का भी रिसर्च है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मीरा गर्ल्स कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब है उदयपुर के, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, डॉक्टर चंद्रशेखर सर ने, और इसके अलावा मैं भी काफ़ी हद तक इसी पर रिसर्च करना चाहता हूँ, और पीएचडी जो है वह मेरी सेकंड होगी, वो इसी टॉपिक पर मैं करना पसंद कर रहा हूँ। इस कारण से मेरे पास में इतने सारे एविडेंस हैं, मैं खुद उन जगहों पर जा चुका हूँ, बहुत सारी रिसर्चें कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारी जानकारी मेरे पास में आई है और मैंने इस जानकारी को आप तक पहुँचाया है, और ये एक एक जानकारी जो है मैंने पुख्ता प्रमाणों के साथ में कही है आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। वो स्क्रीनशॉट वाला मैटर तो आपने लिख ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लिख भी लेते हैं। वो स्क्रीनशॉट वाला मैटर अपनी नोटबुक में डाल दीजिएगा, वो सारा मैं अभी लिखवाने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, समय, ये युद्ध बहुत बड़ा है, शब्दों से भी ऊपर है ये युद्ध, इसलिए साथियों इसमें आपको इतना लैंग्वेज में लिखने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, एक तो ये जो मैंने एविडेंस बताए हैं वो आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, इसके अलावा ये जो मैंने मैटर लिखवाया आपको कि कौन कौन से पक्ष में क्या क्या था, साथ साथ में आपको ये जो मैंने डायग्राम स्क्रीनशॉट मैंने बाद में तो बिगाड़ दिया, लेकिन ये डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया था, एक डायग्राम बनाना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और एक वाला ये डायग्राम बनाना है दोनों पक्षों के बीच में कौन कौन से सेनानायक कहाँ कहाँ थे। ठीक है, क्योंकि डेप्थ में काफ़ी सवाल आ भी चुके हैं, इसलिए उनको आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, चले साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए कुछ पॉइंट्स हल्दी घाटी के बारे में। लिखिए, हल्दी घाटी युद्ध वर्तमान राजसमंद जिले में खमनोर, रक्त तलाई और हल्दी घाटी तीन स्थानों पर लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को हुई। इस युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को हुई, 18 जून 1576 को हुई। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ है, हाल ही में नहीं, 2014 के आसपास की बात है। राजस्थान सरकार ने इस युद्ध में मेवाड़ या महाराणा प्रताप की जीत घोषित की है, हाँ, रोज क्लास होती है मेरी 1:15 पे डेली, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में मैं ऐसा वर्णन करता हूँ, सभी युद्धों के बारे में भी ऐसा ही वर्णन करता हूँ, पूरा इतिहास ही इसी तरह से पढ़ाता हूँ। मेवाड़ की जीत घोषित की है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, कौन सी किताब में कहा मैं पहले लिखवा चुका हूँ आपको, बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, नेक्स्ट लाइन, अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, क्यों कहा और कहां कहां मैंने आपको सारा समझा दिया है।
बदायूनी इस युद्ध को कहते हैं गोगुंदा का युद्ध। और फजल इसको कहते हैं खमनोर का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपाउली कहा। मेवाड़ की थर्मोपाउली, मेवाड़ की थर्मोपाउली कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। देखो मेवाड़ की थर्मोपाउली कर्नल जेम्स टॉड ने क्यों कहा इसको, उसका कारण समझना। क्योंकि एक आपने फिल्म देखी होगी हॉलीवुड में दी 300, जिसमें एक तरफ एक वॉरियर था, स्पार्टन्स वॉरियर, स्पार्टा का एक वॉरियर था जिसका नाम था लियोनिडास, और दूसरी तरफ था पर्शिया। पर्शिया वर्तमान में ईरान को कहा जाता है। ईरान का एक सुल्तान था, शाह था, जिसका नाम था ज़ेरियस। ज़ेरियस के पास में 5 लाख की सेना थी, और लियोनिडास जो वॉरियर है, स्पार्टन्स वॉरियर है, उसके पास में, जो कि एथेंस का था, उसके पास में 300 योद्धा थे। और ऐसी ही एक घाटी थी, संकरी घाटी थर्मोपाउली, वहाँ पे फंसा के मारा था। तो उसी से कंपेयर किया है। हालांकि ये कंपैरिजन मुझे पसंद नहीं आया। इन यूरोपीय इतिहासकारों की तो आदत ही रही है अपनी टांगड़ी हमेशा ऊपर रखना और भारतीय इतिहास और संस्कृति को दबा देना। अरे भैया, कर्नल जेम्स टॉड साहब, आपको कहना ही होता तो कह देते मेवाड़ थर्मोपाली को ही कह देते यूरोप का मेवाड़, यूरोप की हल्दी घाटी, क्या प्रॉब्लम थी? बात तो वही है, मतलब इनका इतिहास, हमारा इतिहास कांदा। तो मतलब इससे साबित होता है कि हम थर्मोपली को ऊपर माने और हल्दीघाटी को नीचे माने। ये कथन हटने चाहिए इतिहास से, और हम कोशिशें भी कर रहे हैं, हटेंगे। नेक्स्ट, एक और राइटर हैं जिनका नाम है एल श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, जिन्होंने इस युद्ध को बादशाह बाग कहा। बादशाह बाग, क्योंकि इस जगह पर बादशाह ने बाद में बाग लगवाया था। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कह सकते हैं आप, हाथियों का युद्ध, ठीक है। बाकी तो आप नोट कर ही लोगे कि कौन कौन से योद्धा शहीद हुए हैं। आपके आंखों से, अब दिमाग से कभी ये युद्ध जा ही नहीं सकता अगर आपने ढंग से मुझे सुना है तो, ठीक है। लिखो, इस युद्ध के पश्चात राणा प्रताप अपने घायल घोड़े के साथ राणा प्रताप अपने घायल घोड़े के साथ खमनोर जो है वर्तमान में राजसमंद में है पहुंचे। इसी के निकट बलीचा गांव में, बहुत महान घोड़ा है, प्रसिद्ध घोड़ा है, बलीचा गांव में चेतक शहीद हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में दो ही घोड़े सुने हैं। एक था चेतक और दूसरा था बुल फेकला। ये दो ऐसे घोड़े हैं जो चार चार हाथियों को एक साथ छलांग लगा लेते थे। बाकी तो आजकल सब गधेड़े होते हैं, 2 इंच नहीं उठ पाते। ये चेतक जो है राणा प्रताप का घोड़ा है, और बुल फेकला है वो सिकंदर का घोड़ा था। बस ये दो घोड़े मैंने सुने हैं इतिहास में जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, चेतक बलीचा में शहीद हुआ था। लिखिए, शक्ति सिंह राणा प्रताप के परिवार को सुरक्षित
राणा प्रताप के परिवार को सुरक्षित कौशीथल वर्तमान भीलवाड़ा में ले आते हैं, कौशीथल ले आते हैं। वहां से राणा प्रताप आवरगढ़ वर्तमान जाडोल फलासिया के पास में है उदयपुर में, आवरगढ़ पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात आपसे फिर से मुझे डिस्कस करनी थी, सही सही बताना। मैं आपको चार करेक्टर देता हूं इस युद्ध के। एक है झाला मानसिंह, कमेंट में जरूर लिखना झाला मानसिंह जी। एक है चेतक, एक है राम प्रसाद, एक है आपका जो है महाराणा प्रताप। आप मुझे बताइए इनमें से चारों में से आपको कौन सा करेक्टर पसंद आया, कमेंट में जरूर लिखना। सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन लगा कमेंट में लिखना। आप में से कुछ कहेंगे चेतक, कोई कहेगा रामप्रसाद, कोई कहेगा प्रताप, कोई कहेगा झाला मानसिंह। देखिए ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध इन चारों की वजह से जाना जाता है मुख्यतर, क्योंकि झाला मानसिंह आप देख सकते हो कितना बड़ा बलिदान, राणा प्रताप का युद्ध, राम प्रसाद ये दोनों जानवर थे फिर भी इतना, इसलिए न तो कोई कम है किसी से न कोई ज्यादा है, ठीक है। इसलिए यहां पर तो कोई चॉइस है ही नहीं है, उसके बाद में आप चॉइस अपनी रख सकते हो। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आपसे साथ में कहना चाह रहा था, राणा प्रताप जो है वह हल्दी घाटी से खमनोर चले गए और खमनोर से वे आवरगढ़ चले गए। क्या लगता है आपको इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, कमेंट में जरूर लिखना नुकसान किसको हुआ। क्या मानते हो किसको नुकसान हुआ, मेवाड़ को या मुगल को? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे मेवाड़ को नुकसान हुआ, कोई कहेगा मुगलों को नुकसान हुआ। लेकिन मैं बता दूं, जिसके पास में एक टंकी भर पानी है उसमें से एक बाल्टी निकल जाए तो टंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास में बाल्टी भर पानी है वो भी आधा खत्म हो जाए तो नुकसान किसको हुआ, मेवाड़ को। क्या लगता है इस रक्त रंजित महाभयानक सबसे विनाशकारी युद्ध हल्दी घाटी में जो खून खराबा हुआ, जो नुकसान हुआ मेवाड़ को, उसकी भरपाई मेवाड़ इतनी आसानी से कर सकता है? संभव नहीं है। तो फिर क्या लगता है आपको कि राणा प्रताप झुक जाएंगे? भाई साजो सामान नहीं है, मेवाड़ को मुक्त करवाना है बिना साजो सामान के? नहीं। तो क्या अकबर जिद छोड़ देगा? नहीं। यानी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगली क्लास में भी हल्दी घाटी से भयंकर लड़ाइयां होगी, जारी रहेगा ये इतिहास। लेकिन एक सवाल और जाते जाते पूछ रहा हूं मैं आपसे, इस युद्ध में देखिए इतिहासकारों के नजरिए से युद्ध में विजेता उसको माना जाता है, विजेता कौन? हम जैसे इतिहासकारों को राजस्थान सरकार ने पूछने की हिमाकत भी नहीं की। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने हल्दी घाटी पर बहुत अच्छा खासा लिखा है, रिसर्च भी कर रहे हैं, मेरे साथ में कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, मेरे से भी बुद्धिमान लोग हैं, उनको पूछा तक नहीं और सरकार ने मोहर लगा ली। एक सेकंड के लिए आप सोचें, विजेता इसको माना जाता है जो युद्ध क्षेत्र में सामने वाले को मार दे, मुख्य व्यक्ति को। क्या मानसिंह प्रताप को मार पाए या प्रताप मानसिंह को मार पाए, तो विजेता कैसा? मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पक्ष विजेता है। या फिर विजेता उसको माना जाता है जो
दूसरे की जमीन पर कब्जा कर ले। क्या प्रताप ने मानसिंह की जमीन पर कब्जा किया या मानसिंह ने प्रताप की जमीन पर कब्जा किया? यह भी नहीं हुआ। तीसरा विजेता उसको माना जाता है जी सामने वाला सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, संधि कर ले। क्या राणा प्रताप ने संधि की समर्पण किया? क्या मानसिंह ने समर्पण किया? मैं जब से होश में आया हूं, जब से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, इतिहास को समझा हूं, तब से यह कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा, यह युद्ध अनिर्णायक था, है और रहेगा। लेकिन एक शब्द और इसमें ऐड कर लीजिए, इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुगलों का हुआ है, यानी मेवाड़ का इस युद्ध में पलड़ा जरूर भारी रहा है। लेकिन पहले भी इतिहासकार लिखते आए हैं कि इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई, मैं मानने को तैयार नहीं था, और अब इतिहासकार मान रहे हैं कि राणा प्रताप की जीत हुई, यह भी मानने में थोड़ा सा संशय होता है। ठीक है, घाटे का सौदा था यह युद्ध, दोनों ही पक्षों के लिए नुकसानदेह और महाभयंकर नुकसान वाला था। लड़ाई तो जारी रहेगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भी बोलना पड़ेगा।